जितने दल उतने दावे, हर ओर जीत वाली हुंकार। लेकिन सवाल है कि पहले चरण की 102 सीटों पर किसकी जीत और किसकी हार। यूं तो देश भर की लोकसभा सीटों के नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे, लेकिन पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद सियासी जमातों के बंद कमरों में जीत और हार का आकलन शुरू हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 102 सीटों पर औसतन 70% मतदान हुआ, जबकि 2024 में सभी 102 सीटों पर करीब 63% वोटिंग हुई, यानी 2019 के मुकाबले करीब 7% का। यूपी की 8 सीटों का जिक्र करें तो 6 सीटें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल हैं। उनमें कुछ सीटों के पुराने और इस बार के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो 2024 में कैराना का वोटिंग प्रतिशत 61.17 रहा, 2019 में 56.59% वोटिंग हुई, तब बसपा ने वहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 के चुनाव में ये आंकड़ा 73% चला गया, यानी कि 17% के करीब वोटिंग में इजाफा देखने को मिला। इस बड़े उछाल ने ही कैराना की सीट बीजेपी की झोली में डाल दी थी। मुजफ्फरनगर सीट का हाल देखें तो इस बार यहां का वोट प्रतिशत 59.29% रहा, 2019 में यहां 54.44% वोट पड़े थे। 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 69.74 पहुंच गया, 2019 में वोटिंग 78.20% दर्ज की गई, जो 2014 की तुलना में ज्यादा कम नहीं थी। फिर से बीजेपी के संजीव बालियान ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार यहां 9% के करीब गिरावट देखने को मिली है। रामपुर सीट का वोटिंग ट्रेंड देखें तो 2024 में यहां का मतदान प्रतिशत 54.77 रिकॉर्ड किया गया है। 2014 में जब बीजेपी ने ये सीट सपा से छीनी थी, तब रामपुर में 2009 के मुकाबले 7% ज्यादा वोट पड़े थे। इस लिहाज से पिछली बार की तुलना में यहां 9% कम वोटिंग हुई है। यही वो आंकड़े हैं जिसने राजनीति की चाल बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों तक के नेता जानते हैं कि वोट प्रतिशत में 1% की भी गिरावट नतीजों की सूरत भी बदल सकती है। इस सूरत में ये वोट परसेंटेज एनडीए को नुकसान और इंडिया के लिए उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। हालांकि असली तस्वीर तो मतगणना के दिन ही उभर कर आएगी।